गुड इवनिंग गाइस, आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस होती है, सबकी मोस्टली फेवरेट होती है, जिसका नाम है कढ़ी पकौड़ा। ये देखिए, यहाँ हमने आज कढ़ी बनाई है और ये थोड़ी सी अलग रेसिपी बनाई है मैंने। जो इसके पकौड़े बनाए हैं वो भी थोड़े अलग बनाए हैं, और तो एक बार आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो छाछ ली है, और छाछ में मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 स्पून जो है वो बेसन डाल दूंगी। अभी बेसन डालने के बाद मैं इसमें यहाँ डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अभी आधा ही डालिएगा, जितनी आप क्वांटिटी डालना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कढ़ी में तड़का लगाएंगे ना तो उससे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे, तो प्याज में भी नमक डालेगा, तो उस हिसाब से नमक डालेगा कि ज़्यादा ना हो जाए। साथ ही मैं इसमें अभी डाल दूंगी धनिया 1/2 टेबल स्पून, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरे गोल को अपने। देखिए, हमने इसमें सब मिला दिया है और जो हमारा गोल है वो इस तरीके से पूरा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपना तड़का रेडी करते हैं। चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल देती हूँ। गर्म हो गया, अब इसमें हम मेथी डाल देते हैं। मेथी हमारी फ्राई हो गई है, उसमें एक बड़ा प्याज काटा है हमने, वो डाल देंगे। और हमारा जो प्याज है वो जल्दी भुन जाए, इसके लिए हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। हमने नमक डाल दिया है और अब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमारा जो इसमें गोल है वो हम डाल देते हैं। अब ये हमने गोल जो है वो पूरा उसमें डाल दिया है, और अब हमें ना इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता ना, तब तक हमें इसका जो फ्लेम रखना है गैस का वो मीडियम टू हाई रखना है, और इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और साथ ही इसमें एक टिप बताना चाहूँगी कि जब आपकी कढ़ी मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकेगी ना, तो आप इसमें ये देखिए, ये मैंने इतने से राइस लिए हैं, और मैंने ये जो राइस है ये इसमें अच्छे से मिला दिया है। इससे क्या होगा, जब हम राइस डालते हैं ना तो हमारी जो कढ़ी है ना वो नीचे कढ़ाई में नहीं लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कढ़ी है उसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, और जब हमारी कढ़ी में बॉईल आना शुरू हो जाता है ना, मतलब प्रॉपर बॉईल आ जाता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो कढ़ी है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। अब हमें जो अपना गैस का फ्लेम है ना वो हमें बिल्कुल मंदा कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है, और अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे अपनी कढ़ी को। देखिए, ये जो हमारे पकौड़े हमने बनाए थे ना कढ़ी के लिए, वो हम ऐसे पानी में डिप कर देते हैं, और हम इसे जब कढ़ी में डालेंगे तो हम इन्हें निचोड़ के डालेंगे। उससे क्या होगा, पानी में डिप करने से ना हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, और कढ़ी में इसका जो टेस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है। तो आप देखिए, ये मैंने इस तरीके से पानी में अपने पकौड़ों को डाल के रख दिया है। जब तक हमारी कढ़ी पकेगी तब तक ये जो हमारे पकौड़े हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे कढ़ी के लिए। देखिए गाइस, हम लोगों की जो कढ़ी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमने पकौड़े अपने पानी में भिगोए हुए थे ना, अब हमें इसको ऐसे लेना है और इसको अच्छे से निचोड़ के पानी में, और हमें अपनी कढ़ी में डाल देने हैं। हम सभी पकौड़ों के साथ ऐसे ही करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने अपनी गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है, हमारी कढ़ी अच्छे से पक गई है, और अब हम इसमें लाल मिर्च का तड़का लगाते हैं। ये हम पैन में ऑयल डाल देते हैं, और ऑयल हम अपना गरम होने
लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने ये 4 से 5 लाल मिर्च रखी है, मतलब ली है, इसको मैं तेल में डाल देती हूँ। और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है, तो अब हम ये इसके ऊपर डाल देते हैं और अब हम ये अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है, और जितनी लग रही है उतनी ही बन भी रही है। एक बार आप इस रेसिपी के थ्रू अपनी कढ़ी ज़रूर बना के देखें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों की कढ़ी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।